और वहाँ भवन है? नहीं है। भवन नहीं है तो कैसे पढ़ते हैं आप? बाहर में। और क्या क्या दिक्कत होता है पढ़ने में? बहुत चीज का, खाने में, बाहर में खाना बनता है। और शौचालय के लिए कहाँ जाते हो? बाहर। ये मुद्दा प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला पूर्वी बाड़ी नगर की है, जिसमें कि स्कूल का भवन नहीं रहने के कारण बच्चे को ऊपर बहुत से समस्या आते हैं, जो कि सर्दी और गर्मी तथा बारिश में ही बच्चे को बाहर बैठ के एक झोपड़ी के नीचे पढ़ना पड़ता है। शौचालय के लिए बगल वाला खेत में जाना पड़ता है। बाहर में बैठे रहेंगे, सर्दी हो रहा है। और शौचालय के लिए बाहर। और ये खाना कहाँ का बना रहे हैं? स्कूल का। स्कूल में क्यों नहीं बनाते हैं? स्कूल में रसोईया का खाना बनाने जगह नहीं। केंद्र बनाने के लिए आप पैसा वैसा आ गया है क्या? पैसा आ गया है, पैसा एक साल पहले पैसा आ गया है, लेकिन हमारा जो है सेवा जो है बहुत कम दिन के लिए है। 4 महीना के बाद जो है हम रिटायर कर रहे हैं। इस स्थिति में हम बनाना भी नहीं चाहते। जो जमीन दिया है वो चाहते हैं कि जो है ना हम ही बनावें, लेकिन हमको उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छे आदमी नहीं है, गलत तबके का आदमी है, और हम चाहते हैं कि जो है ना समिति का ही आदमी बनावे, यहाँ के जो है ना इस वार्ड के या इस क्षेत्र के पोषक क्षेत्र के आदमी बनावे, बाहरी आदमी नहीं बनावे। वो चाहते हैं कि जो है ना और पैसा दे, नहीं तो जो है ना हम रेप केस में फंसा देंगे। वहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है और विभाग का आदेश था कि जहाँ उपलब्ध जमीन नहीं हो रहा है उसको किसी मिडिल स्कूल में ऐड कर दें। लेकिन हेडमास्टर को बोला कि जमीन तो वहाँ उपलब्ध नहीं, जमीन नहीं हुआ। हेडमास्टर के द्वारा सूचना भी हमको नहीं मिला है, क्योंकि उसका निर्णय निकाय पंचायत है और भवन के लिए डायरेक्ट पैसा सब शिक्षा से आता है, उसके खाते पे। तो आपको हेडमास्टर को सूचना नहीं? नहीं, अभी कोई सूचना नहीं किया कि हमारे यहाँ बिल्डिंग का पैसा आ चुका है। मैं चाहती हूं कि स्कूल का भवन का निर्माण जल्द से जल्द करावे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का नंबर है 9162-81-57-02, इन पे कॉल करें और स्कूल का निर्माण के लिए दबाव बनावे। मैं रीना, जिला कटिहार, बिहार, इंडिया, अनहट के लिए।